मैं जान गिल फातिमा विला का रहायशी हूँ और हम बात करेंगे जो कालम मसीह आमर और कलसूम बीबी ने हम पे झूठी एफआईआर आरा बाजार में करवाई है और उसकी दरख्वास्त हमने सीपीओ साहब को दी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मार्क की डीएसपी कैंट वहां पे हमारी सुनवाई हुई और डीएसपी साहब ने डीएनए टेस्ट का ऑर्डर किया और हमारी गिरफ्तारियां इल्तवा में की जिससे हम मुतमिन हैं और हम हर वक्त हाजिर हैं डीएनए टेस्ट के लिए। और उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई एसपी साहब कुठवार से, उन्होंने भी इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें डीएनए का पाबंद किया और जो झूठी और बेबुनियाद एफआईआर हम पे काटी गई उसमें कालम मसीह आमर और कलसूम को डीएनए टेस्ट के लिए पाबंद किया लेकिन ये हाजिर ना हुए। वहां पे भी हमारी गिरफ्तारियां इल्तवा में रखी गई और आईओ साहब को हुक्म दिया गया कि इनको डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया जाए। उसके बाद कालम मसीह ने दरख्वास्त दी अपनी तफसील चेंज करने के लिए डीएसपी साहब सिविल लाइन में, वहां पे हमारी पेशी हुई और सुनवाई हुई और वहां पे उन्होंने उसी ऑर्डर को फॉलो किया कि इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि हकायक सामने आ सकें और हम इन सब अफसरान को जिन्होंने हमें डीएनए के लिए पाबंद किया अपनी तस्दीक करवाई कि हम हाजिर हैं और वहां पे हमसे सैन लिए गए पाबंद किया गया लेकिन डॉक्टर कालब और आमर और कलसूम बीबी इनकारी हुए और वहां से चले गए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम अफसरान का जिन्होंने हमें इस डीएनए टेस्ट के लिए पाबंद किया और हम हाजिर हैं 24 घंटे जब चाहे करवा सकते हैं ताकि असल हकायक सामने आए और झूठी और बेबुनियाद एफआईआर जो हम 5 बंदों पे हुई वो खारिज की जाए, यही हमारी इल्तजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फजल रहमान है, मैं बाजौर एजेंसी का रिहायशी हूँ। तो मैं इधर चौकीदारी करता हूँ यूसुफ कोकर के साथ। तो ये दुबई गया था, दुबई के टाइम पे ये लोग मेरा मुझे रिश्वत देने का कोशिश किया, एक यूसुफ शायद यूसुफ गिल और डॉक्टर कालिम, ये दोनों मेरा वीडियो भी मुख्तलिफ बनाता रहे, मुझे ब्लैकमेल किया है करता रहे। तो मुझे पैसे दे, रिश्वत दे के मुझे कह रहा था कि ये चौकीदारी छोड़ दो, इनका साथ छोड़ दो। तो ये मैंने नहीं किया तो इसके जरिए फिर मेरे ऊपर झूठा पर्चा बनाया, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे साहब के ऊपर। तो लिहाजा ये इनके कारोबार है, ये 2 नंबर लोग है, इनको गरीब लोगों को तंग कर दे और शरीफ लोगों को, और इनके साथ जो है ना ये प्लाटे मराठे का लांजा है और ये सियासी इनके मुखालिफी थे, पता नहीं क्या हिसाब किताब है, लेकिन ये शरीफ लोगों को तंग करते हैं। तो लिहाजा हमारा ये अपील है कि हमारे साथ जो है ना रहम किया जाए और हमारे केसों पे जो है ना देखभाल। मैं मोहम्मद कबीर खान डोकावान का रहायशी हूँ। ये डॉक्टर कालब है, शाह यूसुफ गिल है, शहजाद गोरी और ये पूरा टोला है, ये नौसरबाज है। सोसाइटी के मेम्बरान पर आए रोज झूठी दरखास्तें झूठी एफ आई आर करवाते हैं और इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं जो इस्लामाबाद के शहरियों के साथ है, उनका निकाह कराते हैं फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं। इसलिए आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और वज़ीर दाखला वज़ीर आज़म पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इन नौसरबाज़ों से डोक आवाज और फातिमा मिलाज के जितने भी मेंबरान हैं उनके इनसे जान छुड़ाई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनाब की मेहरबानी होगी।